चलो बिजनेस किया जाए इसका। हेलो यूट्यूब फैमिली, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट तेजस के लिए। आप सभी को जैसे पता है कि तेजस मॉर्निंग में आजकल जा रहे हैं समर कैंप, तो इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट और टिफ़िन उनको बना के देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि रूम में ही जो है सैंडविच बना देते हैं आराम से, क्योंकि तबीयत नहीं सही थी मेरी भी। तो फटाफट मैंने तेजस को ब्रेकफास्ट करा दिया और तेजस जो है कैंप अपने चले गए हैं। यहाँ पर मैं हस्बैंड के पैर में लगा रही हूँ ट्यूब, जिससे स्वेलिंग कम हो जाए। उनके पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। आप जैसे को पता ही है कि उनको पैर में चोट लगी हुई थी, काफ़ी चोट लगी है। तो जिस पैर में काफ़ी चोट थी उसमें खूब ज़्यादा स्वेलिंग थी, तो इस ट्यूब से कुछ हद तक के कम हो जाता है और पेन जो है वो भी जो है खींच लेता है। तो इसलिए मैं ये ट्यूब लगा रही हूँ और ये वाकई में बहुत अच्छा ट्यूब है। 2-3 दिन से लगातार लगा रही हूँ तो काफ़ी आराम है हस्बैंड को। तो तेजस कोचिंग जा चुके हैं और मैं आ गई हूँ छत पे पानी डालने। ज़्यादा टाइम हो गया है, 7 बज रहा होगा, हल्की की धूप भी निकल आई है। बस ऐसे ही चल रहा है आज का दिन, आज का क्या, वैसे ही चल रहे हैं दिन। तो चलो भाई कैमरे को सेट करते हैं और पानी डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी डालना शुरू कर दिया था और कैमरे को सेट करा था, जहाँ पर वो सही तरह से सेट नहीं हो पाया था, काफ़ी दूर मैंने रख दिया था कैमरा, तो इसी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आए। और पेड़ों में पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉर्निंग का टाइम है इसीलिए मैं डाल देती हूँ, और इवनिंग में भी डालना था मुझे। तो देखते हैं कि आज का दिन कैसा निकलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सकूँ एज अ मदर, एज़ अ हाउसवाइफ। और आजकल मैं दूसरे वाले चैनल के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, पूरा टाइम मेरा घर में ही चला जाता है, तो इसी वजह से मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो ये जो गेहूँ आप देख रहे हैं ये चिड़ियों के लिए खाने के लिए रख दिया जाता है। चिड़ियों में पानी डाल लिया है और यहाँ पर मैं चिड़ियों के लिए दाना रख देती हूँ, गेहूँ रख देती हूँ, दिखाती हूँ। और साइड में उस साइड जो है पानी भर के रख देती हूँ, तो गर्मी का समय है तो इसलिए मैं भर के रख देती हूँ, सही रहता है, अच्छा काम है चिड़ियों को दाना देना पानी देना। और धूप तो निकल आई है 7 बजे भी अच्छी खासी, आप देख सकते हो। तो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। तो मैं आ गई थी नीचे, नीचे आते ही साथ ही मैंने एक कप चाय बनाई और मैंने पी, मेरे हस्बैंड ने पी। उसके बाद जो है मैं सब्जी काटने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे लंच की भी तैयारी करनी थी, जितनी जल्दी हो सके लंच बन जाए वही सही रहता है। और अभी मैंने रूम सेट नहीं किया है, अभी मैं रूम को सेट करूँगी, पहले मैं सब्ज़ी काट लूँगी उसके बाद मैं रूम को सेट करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ सिंपल सी सब्ज़ी, आलू बैंगन। तो फ्रेंड्स हमारी पूजा हो चुकी है और मैंने खाने में क्या क्या बनाया है अभी आपको दिखाती हूँ, और मैं भी खाने जा रही हूँ, भूख बहुत तेज लगी। सुबह नाश्ता भी मैंने आज नहीं किया था, सिर्फ काम कर रही थी, चलिए आपको दिखा दूँ। थैंक यू, तो चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाया। तो ये है हमारा लंच, आलू बैंगन की रसेदार सब्जी और आलू बैंगन की सूखी सब्जी, साथ में है रोटी, चावल और बैंगन का भरता, बस यही है। तो ये आज का खाना है मैंने बनाया, वैसे आपको पता ही था कि आलू बैंगन की सब्जी मैं सुबह ही काट रही थी आप सबके सामने, तुम्हारे तक मिल जाएगा, बहुत थक चुकी हूँ मैं। सब्जी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, जितनी जल्दी जल्दी मैंने लंच बनाने की कोशिश की है उतनी ही जल्दी में बहुत अच्छी सब्जी बनी है। और मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही खाते हैं एक ही थाली में, मैं पहले भी बताया है आपको। चेहरा कितना अजीब सा हो रहा है, थका थका लग रहा है। भरते की रेसिपी शेयर नहीं की है, मगर भरता बहुत ज़्यादा
ऑसम बना है, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा था शेयर कर दूँ, मगर जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं ध्यान से बिल्कुल उतर गया। हाँ रोटी ओके, खाना तो हो गया है भाई। मेरा कुछ मीठा खाने का मन था, तो बहुत ही हेल्दी चीज़ मैं आज मीठे में खाने जा रही हूँ। क्या दिखाती हूँ, ये है मीठा और बहुत ही हेल्दी और स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाने वाली चीज़ है। तो ये है सत्तू, बहुत ही हेल्दी है। मीठा खाने का बहुत मन हो रहा था, सत्तू रखा था तो मीठा सत्तू बनाया। खाने जा रहे हैं, खाने क्या जा रहे हैं, खा ही रहे हैं हम लोग। किसको सत्तू खाना पसंद है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, किसने किसने खाया है सत्तू, किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में आपने लिया है तो ज़रूर बताइएगा। सत्तू कई तरीके से बनता है, अच्छा लग रहा है मीठा। हेयर मेरे जो थे ना अभी वेट हैं, हेयर वॉश किया था वेट है तो इसी वजह से इस तरह से हो रहा है, सूख जाए तब फिर सही है। चीनी के साथ, चीनी नहीं गुड़ के साथ खा रहे हैं, फुल हेल्दी है। ये आए हैं आशीष और इधर बैठे हैं सर, सबके चेहरे पे 12 बज रहे हैं। क्यों कहाँ घूम के आए हो? बस 12 नहीं बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। हाँ शॉपिंग से आए हो, ठंडा ठंडा शरबत बना लिया, हंस का है रिफ्रेशिंग लग रहा होगा। बहुत दिन से गाड़ी मेरे रूम ही में खड़ी है, उसकी देखो जो हमने बताई थी जिस ब्रांड की है। आशीष जो है सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, फेस टैन हो गया भाई साहब, होना पड़ेगा। तो इनको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो मेरे पास आते हैं कि मौसी ये क्रीम बताओ वो क्रीम बताओ। आजकल वॉक करने के लिए जाते हैं मॉर्निंग में तो टैनिंग हो जा रही है। खा रहे हैं सब लोग नमकीन जो मैंने बनाई थी, मतलब पहाड़ जैसे लग रही एकदम, मजा आई, अच्छी लगी। तारीफ करने के बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बिल्कुल बाहर की तरह लग रही है ना। चलो बिजनेस किया जाए इसका, नमकीन का बिजनेस किया जाए, इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे वीडियो के बाद। तो आपको ऐसे कंट में मिलेगी मार्केट में, मैं मौसी बना रही हूँ, ऐसे कंटेनर से मिलेगी। वैसे मैंने ये जो घर में कंटेनर था दीदी बिस्किट लाई थी तो इसी में रख लिया था, इसी कंटेनर में, सही है, एयर टाइट है ना, खराब नहीं होगी। तो इधर ये खाई जा रही है नोट, उधर खाई जा रही है। जब से आशीष और सर गए हुए हैं तब से लाइट चली गई है, हम लोग याले रूम से वाले रूम में कर रहे हैं, मगर इन्वर्टर है तो थोड़ा से कूलर चल रहा है तो राहत मिली हुई है, सो नहीं पा रहे हैं। मैंने सोचा कि सो जाएंगे थोड़ा से रेस्ट करेंगे, मगर रेस्ट नहीं कर पाए, आज बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है और इस समय बज रहे हैं 3। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।